फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऑटोमेटा एंड ग्रामर क्या होता है, उसका क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटोमेटा देखते हैं, ऑटोमेटा की डिफिनीशन। ऑटोमेटा क्या हो सकता है आपका? एन ऑटोमेटन इज डिफाइंड एज ए सिस्टम वेयर एनर्जी, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड, ट्रांसफर्ड एंड यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम फंक्शन विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब कि कोई मशीन आपका होगा जहां पे ह्यूमन का पार्टिसिपेशन नहीं है, वो कुछ एज ए इनपुट में लेगा, एंड इनपुट में जैसे क्या क्या ले सकता है आपका, एनर्जी, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, कुछ भी एज ए इनपुट लेगा, प्लस मुझे कुछ आउटपुट देगा विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन, जहां पे ह्यूमन बॉडी का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक मशीन, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन होगा, ऑटोमेटिक मशीन आपका रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, कोई भी मशीन हो वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, ऑटोमेटा की कैटेगरी में आएगा। ऑटोमेटिंग पैकिंग मशीन, सपोज कोई पैकिंग करने की डिवाइस है कि ऑटोमेटिक पैकिंग कर रहा है विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वहां भी वो भी मशीन किस कैटेगरी में आएगा, ऑटोमेटा। ऑटोमेटा से सिंपली यहां समझिए आप, ऑटोमेटा मीन्स जहां भी ऑटोमेटिक डिवाइस की कंसेप्ट की बात करेंगे हम कि ये ऑटोमेटिक डिवाइस है, वहां पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑटोमेटा की थ्योरी वहां पे लगी हुई होगी। अब ऑटोमेटा को हम एक मॉडल देखते हैं, ऑटोमेटा मॉडल कैसे होगा। सपोज ऑटोमेटन आपका है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कहीं पे ऑटोमेटा लिखा हूं, कहीं पे ऑटोमेटन लिखा हूं, तो ऑटोमेटन और ऑटोमेटा में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑटोमेटन जो होता है इसको सिंगल फॉर्म को डिनोट करता है, ऑटोमेटा क्या होता है उसका प्लूरल फॉर्म होता है। मींस मोर, अगर कई सारे मशीन की बात करें हम तो जिसके अंदर बहुत सारे मशीन आ सकते हैं वो ऑटोमेटा हो जाएगा, पार्टिकुलर किसी एक ऑटोमेटा की बात करें, किसी एक मशीन की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटन। तो ऑटोमेटन ऑटोमेटा में सिमिलर है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, क्योंकि बुक्स में, हर बुक्स में किसी में ऑटोमेटा लिखा होगा, किस में ऑटोमेटन लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी ऑटोमेटा डिवाइस है, मॉडल है उसका, तो उस मॉडल में क्या हो सकता है, सपोज आपका ऑटोमेटन कोई है तो कुछ नंबर आप स्टेट होंगे, जैसे Q1, Q2 अप टू Q1 नंबर आप, n नंबर आप स्टेट हो सकते हैं, कितने भी नंबर आप स्टेट हम उसमें ले मशीन में हो सकता है, और डिक्लेयर करता है मशीन आप कैसा बनाना चाह रहे हैं। कुछ इनपुट लेगा, कोई भी मशीन होगा जाहिर सी बात हो इनपुट लेगा, तो I1, I2 अप टू IP कुछ नंबर आप इनपुट होंगे जो इनपुट लेगा, और इसी बेस पे आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, O1, O2 अप टू OQ। मीन्स अगर हम यहां देखें तो ये नंबर ऑफ पी इनपुट, नंबर ऑफ एन स्टेट एंड नंबर ऑफ क्यू आउटपुट, ये तीनों सेम नहीं है, ये हर मशीन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट पे डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट लगेगा, उसके बेस पे कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ आउटपुट आपको मिलेगा। इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम ऑटोमेटा मशीन की, तो ऑटोमेटा मशीन करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला होता है आपका इनपुट। इनपुट क्या होगा, जो यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है ये इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट फ्रॉम अल्फाबेट सेट। अब अल्फाबेट सेट इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसका वीडियो का लिंक आज के वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अल्फाबेट मैंने वहां पे डिस्कस किया था। अल्फाबेट क्या हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है जो सिंबल हम एज ए इनपुट में यूज करना चाहते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने इनपुट में क्या ले लिया, I1, I2, I2, कोई सिंबल मीन्स कोई भी स्मॉल लेटर होगा, कोई 01 अप टू 9 कोई भी नंबर होगा, या कोई भी सिंबल हो सकता है कि कीबोर्ड की कोई भी सिंबल हो सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे, सिंबल में, जिसको हम एक सेट बनाएंगे अल्फाबेट सेट, वो अल्फाबेट सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फाबेट सेट हम लिख सकते हैं अल्फाबेट सेट 01, मीन्स यहां पर कह सकते हैं ये बाइनरी नंबर का अल्फाबेट सेट है। तो इनपुट हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ अल्फाबेट सेट से होगा। सेकेंड आउटपुट फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट, मींस ये सारे फाइनाइट नंबर होंगे, ये भी फाइनाइट नंबर होगा, ऐसा नहीं हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट हम लगा दें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट मुझे मिल जाए, तो फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट भी होगा जो O1, O2 अप टू OQ तक होंगे।
नेक्स्ट आता है स्टेट। स्टेट आपका क्या होगा, ये स्टेट हम कहेंगे इसको Q1, Q2 अप टू Q1 जो है वो क्या है आपका स्टेट है। ऑटोमेटन में कितने नंबर आप स्टेट यूज किए गए हैं वो आपका डिफाइन करेगा। और यहाँ पे जब भी ऑटोमेटा मशीन काम करता है एट ए टाइम, पर्टिकुलर एट ए टाइम, वो किसी न किसी एक स्टेट पे होता है। वो हो सकता है पहला स्टेट हो, दूसरा स्टेट हो, थर्ड स्टेट हो, लास्ट स्टेट हो, किसी न किसी एक ही स्टेट में एट ए टाइम होगा, मोर देन वन स्टेट में नहीं हो सकता। फोर्थ आता है स्टेट स्टेट रिलेशन। इसमें क्या करता है, रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। अब जो स्टेट रिलेशन होगा प्रेजेंट इनपुट मींस सपोज i1 इनपुट पे एक किस स्टेट पे है ए डिनोट करेगा। जरूरी नहीं है कि i1 स्टेट हमेशा क्यू i1 इनपुट हमेशा किस पे हो, q1 स्टेट पे, किसी भी स्टेट पे हो सकता है। i2 किसी भी स्टेट पे किससे रिलेटेड हो सकता है। तो ही बोला कि रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट मींस प्रेजेंट में इनपुट क्या है, इनपुट में कौन सिंबल आ रहा है और किस स्टेट पे है ए डिपेंड ए डिनोट करेगा कौन, स्टेट रिलेशन। आउटपुट रिलेशन क्या होगा, जो ये आउटपुट डिपेंड करेगा वो या तो स्टेट पे हो सकता है या इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही आउटपुट डिपेंड कर सकता है, वही हो जाएगा आपका आउटपुट रिलेशन। तो उसी आउटपुट रिलेशन के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कितने मशीन, कौन कौन से मशीन डिजाइन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑटोमेटा मशीन होते हैं, जैसे फाइनल ऑटोमेटा हो जाए, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड्री ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, ये सारे बहुत सारे मशीन होंगे। तो वो भी उनका भी एक बेसिक मॉडल क्या होगा, हर मशीन का बेसिक मॉडल यही होगा। अब हम इसमें इसी मॉडल पे इनके वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन फाइनल ऑटोमेटा की कैटेगरी में जाएगा, कौन पुश डाउन ऑटोमेटा की कैटेगरी में जाएगा, कौन ट्यूरिंग मशीन की कैटेगरी में जाएगा। कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर आउटपुट, अगर किसी मशीन का आउटपुट डिपेंड करे केवल केवल इनपुट पे, मींस ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट है जो केवल केवल डिपेंड किस पे करे, इस इनपुट पे, स्टेट से कोई मैटर ना हो उसका, तो वो स्टेट से कोई भी रिलेशन ना हो, तो ऐसे मशीन को हम क्या कहेंगे, ऑटोमेटन मशीन विदाउट मेमोरी, मींस बिना मेमोरी के कोई भी स्टेट पे नहीं जाएगा, तो कोई मेमोरी यूज नहीं, कोई स्टेट का कोई रिलेशन नहीं, रोल नहीं है, तो उस पर कोई भी मेमोरी यूज नहीं करेगा। इस तरह की मशीन को हम कहते हैं ऑटोमेटन विदाउट मेमोरी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे सिलेबस में दो मशीन पढ़ेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम कहेंगे DFA एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम कहेंगे NFA। तो DFA NFA दोनों विदाउट मेमोरी होते हैं जिसपे केवल केवल आउटपुट पे रोल किसका होता है, इनपुट इनपुट का, स्टेट से कोई रिलेशन नहीं होता। सेकेंड टाइप की जो मशीन होती है वहां पे इनपुट और स्टेट, ये जो इनपुट है और स्टेट मींस आउटपुट दोनों पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। इस टाइप की मशीन को हम कहते हैं मशीन, ऑटोमेटा मशीन विथ मेमोरी, ऑटोमेटा मशीन विथ मेमोरी, मींस यहां पे मेमोरी का रोल आ जाएगा। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा जिसको हम यहां पे कहेंगे PDA, शॉर्ट में पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड्री ऑटोमेटा जिसको हम LBA कह सकते हैं, एंड ट्यूरिंग मशीन। तो ये तीनों मशीन किस कैटेगरी में आएंगे, ये तीनों मशीन आएंगे आपके ऑटोमेटा विथ मेमोरी की कैटेगरी में, तीनों मशीन आपके आएंगे जो डिपेंड करेगा इनपुट और स्टेट दोनों पे, इनका आउटपुट डिपेंड करेगा। थर्ड टाइप की मशीन हो सकती है जो कि जिसका आउटपुट केवल केवल डिपेंड किस पे करे, इनपुट डिपेंड ना करे, केवल केवल डिपेंड किस पे करे, स्टेट पे। अगर स्टेट पे कोई मशीन केवल केवल आउटपुट स्टेट पे डिपेंड करती है तो ऐसे मशीन को हम कहते हैं मूरे मशीन, जो अभी आगे मूरे मशीन आएगा। इन सारे मशीन को हम बहुत डिटेल में और इसकी प्रॉपर्टी के साथ समझेंगे आगे कि इसमें क्यों को क्या क्या और रोल इसका हो सकता है। तो अगर केवल स्टेट पे कोई मशीन डिपेंड कर रही है, इनपुट पे कोई डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, तो उस टाइप की मशीन क्या हो जाएगी, मूरे मशीन। और अगर कोई मशीन ऐसी है जो एट एनी इंस्टेंट किसी पार्टिकुलर टाइम पे इनपुट और स्टेट, किसी पार्टिकुलर टाइम पे इनपुट और स्टेट दोनों पे डिपेंड करे, इनपुट और स्टेट दोनों पे डिपेंड करे, उस मशीन को हम क्या कहेंगे, मिले मशीन। तो यहां पे भी अगर देखें हम तो यहां पे भी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और जो ऑटोमेटा मशीन विथ मेमोरी था वो भी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, ये एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम बात कर रहा है, ये एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम नहीं, ओवरऑल बात
कर रहा है। तो ये सब मशीन आपको पढ़ने हैं, मींस जो अभी आगे लेक्चर मशीन आपको डिटेल में पढ़ना होगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड्री ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन एंड मोरे मशीन एंड मिले मशीन। तो इतने टोटल मशीन आपको पढ़ने हैं ऑटोमेटा में। तो ऑटोमेटा पे आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, सारे मशीन के बारे में इसमें मैंने आपको डिस्कस किया। अगर आप मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कीजिएगा और उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।